गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया था कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और अगर नंबर में लिखा है तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे और वर्ड्स को नंबर में कैसे लिखेंगे, और देख लिया था हम लोगों ने कि उसको एलिवेटेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। फिर हम डिवीज़न पे आ गए थे। डिवीज़न पे क्या था कि डिवाइज़र क्या होता है, क्वोटेंट क्या होता है, डिविडेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि ये फोर और फिफ्थ के लिए ही है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें क्या है कि हम कैसे कोई बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि नंबर है 4 5 7 9 8 4 3 2, इतना बड़ा नंबर है, तो अगर इसको हमको 2 से डिवाइड करना है तो कॉमा ऐसे लगा होता है, इसे 2 से अगर डिवाइड करना है तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 4 से अगर डिवाइड करना है 4 से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग जो है रूल्स हैं, मतलब कि वो चेक करने का कि हम लोग देख लेते हैं, उस बेसिस पे देख लेते हैं कि हाँ ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी है तो 2 से अगर लास्ट का हमारा जो वंस प्लेस वाला होता है, तो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसका मतलब कि ये डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर ऑड नंबर में है तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये डिविजिबिलिटी होती है, हम लोग चेक कर लेते हैं इसी से, कम समय में चेक कर लेते हैं, भाग हमको भाग नहीं देना पड़ता, पहले से ही हम चेक कर लेते हैं उस चीज़ को। तो इसमें देखिए, पहले सबसे पहले हम बता चुके हैं, इसमें बता भी चुके हैं हम कि ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 है और ये 1000 प्लेस है, ऐसे करके हम बता भी चुके हैं, ठीक है। वंस मीन्स इकाई, टेंस मीन्स दहाई, 100 मीन्स सैकड़ा, 1000 मीन्स हज़ार, ऐसे बता भी चुके हैं। तो वही वंस प्लेस, टेंस प्लेस इसमें यूज होगा, जो कि आप लोगों को समझना होगा। फिर इसमें यूज हुआ है इवन नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर मीन्स कि जो पेयर में होते हैं, जैसे 2 4 6 8, जो पेयर में होते हैं, ये पेयर में होते हैं, पेयर मीन्स जोड़े में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो कोई भी नंबर जो पेयर में नहीं होता, मतलब कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। तो इन लोग इसका भी यूज हुआ है, ऑड नंबर, इवन नंबर का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इवन नंबर है, क्या ऑड नंबर। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जो पेयर में होता, मतलब कि दो से जो नंबर 2 से कट जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, ठीक है। 2 4 6 8, 10 है, 12 है, तो ये सारे के सारे इवन नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें 10 भी है, 12 भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। ये आपका ऑड नंबर होता है, ठीक है, ये आपका ऑड नंबर होता है, 3 5 7 9 11 13, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें देख लिए कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये प्लेसेस होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग टेस्ट ऑफ फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स में क्या देखेंगे कि कोई बड़ा से बड़ा नंबर जो कि
कोई बड़ा से बड़ा नंबर हम चेक कर लेंगे कि हाँ टू से डिवाइड होगा कि नहीं, थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं, फोर से डिवाइड होगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बिना भाग किए हुए, बिना डिवीज़न किए हुए हम इसको चेक कर सकते हैं इसमें, टेस्ट ऑफ फॉर डिविजिबिलिटी में। ठीक है, समझ गए ना कि इस चैप्टर, इस टॉपिक का पढ़ने का हमारा मेन जो है एम क्या है। एम यही है कि उस वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हम उसको एक नज़र में ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले आते हैं टू से, डिविजिबिलिटी बाय टू। ठीक है, कह रहा कि ये नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 or 8 इन इट्स वंस प्लेस। इसके कहने का क्या मतलब है कि कोई भी नंबर, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू, कोई भी नंबर है जो दो से डिवाइड हो जाएगा इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 or 8 इन इट्स वंस प्लेस। वंस प्लेस हमने बताया ना ये कि ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है, ये थाउजेंड होता है। ये आपका अगर होता तो ये 10,000। ठीक है, ये आपका लाख है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से चला जाएगा। ठीक है, ये 10 लाख हो जाएगा, ये आपका करोड़ हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो वंस प्लेस पे हो, वंस प्लेस जैसे 4, 6, 3, 2 अगर दिया है तो वंस प्लेस क्या है, ये आपका वंस प्लेस है, वंस प्लेस। ठीक है, तो अगर कोई नंबर दिया हो, अगर कोई नंबर दिया है, अगर उसका वंस प्लेस इस जगह पे या तो जीरो हो, या तो टू हो, या तो फोर हो, या तो सिक्स हो, या फिर एट हो, चाहे जीरो हो, चाहे टू हो, चाहे फोर, चाहे सिक्स, चाहे एट हो, तो कोई भी नंबर यहाँ पे लास्ट में होता है तो इसका मतलब कि ये नंबर दो से डिवाइड हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे हम ले लेते हैं, एक नंबर है 3, 5, 2, 4, 3, 9, 2, 5, 6। अगर इतना नंबर, इतना बड़ा नंबर है, चेक करना है कि ये पूरा का पूरा सिक्स टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम लास्ट का केवल नंबर चेक कर लेंगे, इसको टू, ये टू से डिवाइड हो जा रहा है या 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कि ये सिक्स आ गया ना। अगर लास्ट में सिक्स है तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। हम एक ही नज़र में इसको देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ जीरो भी होता, यहाँ जीरो भी होता, चाहे जीरो होता, चाहे टू होता, चाहे फोर होता, चाहे सिक्स है ही, चाहे एट होता, तब भी ये नंबर जो है टू से डिवाइड हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय थ्री। कोई भी नंबर दिया हुआ है तो वो थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अगर इसको हमको चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। कोई भी नंबर है, थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अगर इसको हमको चेक करना है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। कह रहा है इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री, कि अगर कोई किसी डिजिट का एडिशन, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, वो थ्री का मल्टीपल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। ये कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसे दिया हुआ है एग्जांपल में, कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 4, 2, 5, 2। ठीक है, और टू और रख लेते हैं। ठीक है, तो ये टू से थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैसे चेक करेंगे। ठीक
ठीक है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम इस तरह से चेक करेंगे कि जैसे ले लिए हम, ठीक है, जैसे ये नंबर ले लिया हम 42522, अभी कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अब इसके जो है डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है, इसके डिजिट्स को, जैसे 4 है प्लस 2 है प्लस 5 है प्लस 2 है प्लस 2 है, इसको ऐड कर लिए तो इतना कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 और प्लस 2 13 प्लस 2 15 ये। तो अगर ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है ये, ठीक है, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे चेक कर सकते हैं इसको हम कि आपका 42522 इसको भाग करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, लंबा भाग हो जाएगा, आप भाग करके चेक कर सकते हैं। और दूसरा नंबर ले लेते हैं, अगर इसी में हम ऐड कर दिए कि 1, अब इसके डिजिट को हम ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 इजकल टू 16 आ जाएगा, अपॉन 3 करेंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, इसका मतलब कि ये नंबर जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा ये रूल कहता है, रूल ये कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 का मल्टीपल है, जैसे 3 5 से 15 कट गया, तो 3 का मल्टीपल है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब पहले हम हर एक डिजिट को ऐड करेंगे, ठीक है, हर एक डिजिट को ऐड करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब जो है वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये इसका 3 से डिवाइड होने का फार्मूला है। जिसे और फिर एक और नंबर देख लेते हैं, जिसे छोटा सा नंबर लेते हैं 45 चेक कर सकते हैं ना कि हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं कि ऐड कर दिए 4 प्लस 5 कर दिए, क्या आ गया 9, 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि ये 3 3 9, तो इसका मतलब आंसर 3 आ गया। तो ये अगर 9 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये 45 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये इसका टेस्ट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो हम अगर कोई भी नंबर हो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अगर इसको चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, पहले हम डिजिट को ऐड कर लेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे, अगर कट गया तब तो इसका मतलब कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं कटा तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये आपका हो गया 3 से डिवाइड होने का जो टेस्ट था, ये ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 4, थोड़ा सा लंबा है ये, समझना पड़ेगा इसको, ठीक से देख लीजिए, आई होप कि जो है दिख रहा होगा ये आपको कैमरे में। ये कह रहा है कि डिविजिबिलिटी बाय 4, ए नंबर विथ 3 आर मोर डिजिट्स, कोई भी नंबर हो जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट हों, इज़ डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिविजिबल है, मतलब कि जो चेक करने का इसमें कह रहा है कि हम चेक तब कर सकते हैं कि जब वो 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट हों, ठीक है, अगर 2 डिजिट होंगे तो हम ऑलरेडी उसको चेक कर लेंगे कि हाँ 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वैसे ही सिंपली। लेकिन कह रहा कि अगर ये टेस्ट तब अप्लाई होगा कि जब 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट होंगे, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज़ 1s एंड 10s इज़ डिविजिबल बाय 4, कि जैसे इसमें ये कह रहा है कि कोई भी 4 से तब डिवाइड होगा जब उसका लास्ट जो डिजिट होता है, लास्ट डिजिट, जैसे कि हम ले लिए एग्जांपल 1936, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये नंबर विथ 3 आर मोर डिजिट्स, इसमें 3 से ज़्यादा डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं इसमें,
तो तीन से ज़्यादा डिजिट है, कह रहा कि ये नंबर विथ थ्री आर मोर डिजिट्स, कह रहा कि तभी ये अप्लाई होगा, या तो तीन डिजिट हो या तीन से ज़्यादा हो तभी ये अप्लाई होगा। इज डिविजिबल बाई फोर इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट टू डिजिट्स, कह रहे जो लास्ट टू डिजिट्स जो नंबर फॉर्म होता है, लास्ट टू डिजिट क्या है वो, वन टू, दैट इज़ वंस एंड टेंस, कह रहा कि वंस एंड टेंस, ठीक है, जो लास्ट टू डिजिट ये हमारा क्या है, वंस है और ये क्या है, टेंस है। कह रहा है जो लास्ट टू डिजिट्स फॉर्म हो रहा है इज डिविजिबल बाई फोर, अगर ये 36, लास्ट टू डिजिट क्या है, 36 है, अगर 36 फोर से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, 4 9 36, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर जो है, इसका मतलब ये पूरा नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, पहला है, दूसरा भी ले लेते हैं, जैसे कि आपका दिया हो 3516, ठीक है, 3516 वंस टेंस, ये दो डिजिट ले लेंगे, फोर से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि पूरा नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो, और एक एग्जांपल ले लेते हैं तीसरा, कि दिया हो जैसे 37 और ले लेते हैं 32, ठीक है, 32 आपका लास्ट के टू डिजिट फोर से डिवाइड हो जाएंगे ना, फोर से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 4 8 जा 32, ठीक है, 4 4 जा 16, तो इसका मतलब कि अगर लास्ट का टू डिजिट कोई भी नंबर हो, तीन या तीन से ज़्यादा नंबर हो, अगर लास्ट के टू डिजिट्स फोर से डिवाइड हो जाते हैं, ध्यान रखना फोर से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर जो है फोर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब आते हैं अगला आपका है फाइव से, डिविजिबिलिटी बाय फाइव, ठीक है, दिख रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ए नंबर्ड विच हैज आइदर जीरो और फाइव इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय फाइव, ठीक है, इस ये बहुत सिंपल है, कह रहा कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जैसे 4 3 5 है, लास्ट का जो वंस प्लेस है, लास्ट का जो नंबर है वंस प्लेस, अगर ये या तो जीरो है या तो फाइव है, या तो जीरो आ जाए या फिर फाइव आ जाए, ठीक है, लास्ट का वंस प्लेस या तो जीरो हो या तो फाइव हो, तो ये आपका जो है फाइव से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, चाहे ये नंबर हो, चाहे ये 4 3 4 0 2 1 0, अगर लास्ट में जीरो है तो इसका मतलब कि ये भी जो है फाइव से डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट में फाइव है ये भी हमारा फाइव से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फाइव से डिवाइड होने का है, ये मतलब हमको लग रहा है कि ये जो है काफ़ी लोग सब लोग जानते होंगे, फिर भी बताना था, एक सीक्वेंस में आया था इसको हमको बताना पड़ा, ठीक है। इसमें यही है डिविजिबिलिटी बाय फाइव में कि लास्ट का जो वंस प्लेस है वो या तो जीरो होगा या तो फाइव होगा, तभी ये फाइव से डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये रहा आपका फाइव से डिवाइड होने का जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय सिक्स, कोई भी नंबर बड़ा सा नंबर है तो सिक्स से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैसे चेक करेंगे, कह रहा है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू एंड थ्री बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाई सिक्स आल्सो, कह रहा है कि अगर कोई नंबर दो और तीन दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, दो और तीन दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, तो उसका इसका मतलब ये है कि वो आपका सिक्स से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं, जैसे कि 27 है, 27 आपका टू से डिवाइड नहीं होगा ना, थ्री से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टू से डिवाइड नहीं हो रहा है, थ्री से हो जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए,
ठीक है, अगर कोई नंबर है तो टू एंड थ्री दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। इफ़ ए नंबर इज डिविजल बाई टू एंड थ्री बोथ, आर करके नहीं दिया बोथ, देन इट इज़ डिविजल बाई सिक्स आल्सो। दो या तीन, दो और तीन दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। इसमें 27 टू से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सिक्स से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगला चेक करते हैं, इसे 18 दिया है, 18 टू से भी डिवाइड हो जाएगा और आपका थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि जो है ये आपका सिक्स से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और भी एक नंबर ले लेते हैं जिसे 30 है, और ले लेते हैं बड़ा नंबर देख लेते हैं, 3 3 3 2 और 4 3 0 2 4 ये नंबर ले लेते हैं। तो ये टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आपका ये टू से डिवाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में फोर लगा है। अब थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा आपका, इसको चेक कर लेते हैं। थ्री से डिवाइड होने का क्या फार्मूला था कि जो ये नंबर का एडिशन है, अगर ये थ्री से डिवाइड हो गया, 3 + 2 + 4 कितना होगा, 3 + 2 5 और +4 9। तो अगर 9 है तो ये 9 हम इसको चेक कर लेते हैं, 3 + 0 + 2 + 4 ठीक है इजिकल टू आपका 9 आ गया। 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब 6 से डेफिनेटली ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा 6 से, डिविजिबिलिटी बाई 6। और भी एक चेक कर लेते हैं, जैसे 4 5 9 8 4 ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये आपका 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, इस नंबर को ऐड कर लेते हैं, 4 + 5 + 9 + 8 + 4 इजिकल टू क्या आएगा, 4 + 5 9 9 9 18 18 और 8 26 और + 4 30 ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 आपका जो है डिवाइड होगा कि नहीं होगा 3 से, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, 30 आपका डिवाइड होगा कि नहीं होगा आप देख सकते हैं, अपॉन 30 कर दिए आपका ये 10 आ गया। तो इसका मतलब कि ये नंबर भी आपका, ये नंबर भी जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 6 डिविजिबिलिटी बाय 6 कि 6 कौन कौन से नंबर हमारे डिवाइड होंगे। ठीक है, अब आते हैं आपका डिविजिबिलिटी बाय 8 कि 8 से डिवाइड होने का क्या जो है फार्मूला है, कैसे हम समझ जाएंगे कि हाँ 8 से ये नंबर डिवाइड होगा। कह रहा है इसमें ए नंबर विथ 4 आर मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। कह रहा है कोई भी नंबर हो वो 4 आर मोर डिजिट्स है इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। क्या मतलब है, ए नंबर विथ 4 आर मोर डिजिट्स, कोई भी नंबर हो उसमें 4 या उससे ज़्यादा डिजिट होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 4 वाला डिविजिबिलिटी बाई 4, जिसमें हमने कहा था कि लास्ट में कम से कम ये 3 डिजिट का होना चाहिए या 3 से ज़्यादा होगा वो, तब वो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा कि ये नंबर विथ 4 आर मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8। तो इसमें डिविजिबिलिटी बाई 8 में देख लिए हम लोग, ए नंबर विथ 4 आर मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8 कि अगर कोई नंबर है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट हैं तो वो जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा
इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट थ्री डिजिट्स इज डिविजिबल बाय एट, कि जो कि लास्ट के थ्री डिजिट, जैसे दो एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल कि लास्ट थ्री डिजिट क्या है, एक है फोर, एक है वन, एक है सिक्स। 416, 416 जो है आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 416 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 40, ठीक है। 1 और 6, 1 कैरी बचा, 6 ये आपका बचा, 8 2 16, ठीक है, ये आपका कट गया। इसका मतलब कि हम देख लेते हैं इसमें कि लास्ट के जो थ्री डिजिट हैं, कह रहा है इसमें इफ़ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट थ्री डिजिट्स, लास्ट थ्री डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, अगर 8 से डिवाइड है तो ये नंबर जो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, लास्ट के जो थ्री डिजिट हैं आपके 512 हैं, 512 आपको 8 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा देख लेते हैं। 512 तो 8 6 48, आपका 3 बचा 2, 8 4 32, ठीक है। इसका मतलब कि ये दोनों नंबर ये डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इसमें यही है कि अगर लास्ट का थ्री डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहा है तब इसका मतलब ये जो है वो पूरा नंबर जो है आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई 9। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, जैसे आपका ले लेते हैं 4 6 0 8, ठीक है। ये नंबर अगर इसका जो सम ऑफ डिजिट्स 4 6 0 8 कितना आ गया, 4 6 10 8 18, 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर डिजिट्स को हम जोड़ देते हैं हर एक डिजिट को 4 6 0 8, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9, तो ये खुद का नंबर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह आपका डिविजिबिलिटी है, टेस्ट है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 5 2 8 3, अब इसके हम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, 5 2 8 3, ठीक है, ऐड कर लिए। अब क्या आ गया ये 5 2 7 8 15 3 18, ये भी 18 आ गया। तो ये भी जो है आपका डिवाइड हो जाएगा किससे, नहीं सॉरी 5 2 7 8 15 3, हाँ ठीक है, ठीक है 18, ये भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर हम कोई नंबर है उसके डिजिट को हम ऐड कर लेंगे, हर एक डिजिट को हम ऐड कर लेंगे, उसको 9 से डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि आपका ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3543, ठीक है। अब इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 3 5 4 3 इजिकल टू क्या आ गया, 5 3 8 4 12 3 15,
फिफ्टीन आ गया, फिफ्टीन जो है नाइन से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ये तो ये दोनों तो हो जाएंगे लेकिन ये आपका जो है नाइन से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि फिफ्टीन जो है नाइन से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नाइन डिविजिबिलिटी बाई नाइन हम चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि इसका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है या जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं इसका नोट्स बना लीजिए, आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, पेज भी दिख रहा होगा, इसको आप पॉज करके सारे जो टॉपिक हैं इसको, जैसे ये जो लिखा हुआ है ये बेसिक चीज़ें, इसका जो है लिख लीजिए, एग्जाम्पल का अपना नोट कर लीजिए और बार जो है एक दो बार तीन बार चार बार इसको रिवाइज कर लीजिए, तो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे केवल पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर जब कन्फ्यूज़न होगा कि अच्छा इसका इससे डिवाइड होने का क्या फार्मूला था, तो फिर कहाँ देखेंगे आप। ठीक है, तो ये अगर नोट्स रहेगा आपके पास तो ये जो है इसको आसानी से आप कर सकते हैं, फिर नोट्स उठा के देख लेंगे आपके समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, ये लास्ट है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये कह रहा है कि कैसे हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अलग है ये, थोड़ा लंबा इसका प्रोसेस है, देख लेते हैं कि कैसे हम समझ जाएंगे कोई नंबर 11 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। कह रहा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, फ्रॉम द राइट, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर, इफ द डिफरेंस इज आइदर जीरो आर डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कह रहा कि सबसे पहले तो हम क्या ये करेंगे, जैसे ये कोई नंबर है 4, 5 और ऐड करके देख लेते हैं 2, 4, 5, 2, 9, 2। ठीक है, अब ये नंबर पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर है तो ठीक है, ये तो नहीं होगा, चलिए ठीक है देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं, ऑड मतलब कि 1, 3, 5 1, 3, 5 ये ऑड नंबर्स हैं ना, हम बता भी चुके थे, पहले ही बता दिए थे ये ऑड प्लेसेस के नंबर हैं। फ्रॉम द कह रहा है कि फ्रॉम द राइट, कि हम चेक करते हैं कि ये 1, 3, 5 ये पहले प्लेस पे है, ये तीसरे पे है, ये फिफ्थ प्लेस पे है। कह रहा कि सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, ये 1 पे है, ये 3 पे है, ये 5 पे है। सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं, तो 1 पे कौन है, 2 है, और उस पे भी 2 है, और पांचवें पे कौन सा है, 4 है, प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 2, 2, 4 प्लस 4, 8। ठीक है, अब आपका देखते हैं, कह रहा कि जो नंबर, उसके बाद कह रहा कि एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन नंबर्स इवन प्लेसेस, ये किस प्लेस पे है, ये आपका दूसरे प्लेस पे है, ये आपका चौथे प्लेस पे है। ठीक है, आपका ये दूसरे प्लेस पे है, ये चौथे प्लेस, तो 2 और 4 क्या हैं, ये आपका इवन नंबर है ना, तो इन दोनों के नंबर कौन कौन से हैं, ये आपका 9 है प्लस 5 है, 9 प्लस 5 इसका मतलब क्या हो गया, 14 14 है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 9 की जगह पे 3 कर दें, यहाँ 3 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 प्लस 5 आपका
ये 8 आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट। पहले ऑड प्लेसेस के 1, 3, 5 प्लेस पे है ये 1, 3, 5। तो सबसे पहले कि जो पहले प्लेस पे है, तीसरे प्लेस पे, पांचवें पे होता, फिर सातवें पे होता या फिर नौवें पे होता, तो सबसे पहले ऑड प्लेसेस के नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इवन नंबर्स, इवन प्लेसेस के नंबर, ये 2 है, ये 4, तब कि ये सेकंड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है ये और ये फोर्थ प्लेस पे है, तो 3 + 5 = 8 कर दिए। कह रहा है कि इन लोगों का डिफरेंस 8 - 8 = आपका 0 आ गया। कह रहा इफ़ द डिफरेंस इज आइदर 0 या आर डिविजिबल बाय 11 या फिर 11 से कट जाए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब कि 0 आ गया इसमें, हमने चेंज कर दिया था, 9 की जगह पे 3 लग दिया था, तो इसका मतलब कि ये पूरा जो नंबर है ये आपका 11 से कट जाएगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं, 4, 5, 2, 3, 2 इसको भाग करके हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं होता कि इसमें पूरा का पूरा ढेर सारा एग्जांपल सॉल्व करें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ले लेते हैं, 1, 3, 3, 1, ठीक है। तो इसमें आपका ये कह रहा है कि जैसे इसमें किए थे कि जो ऑड नंबर से हैं 1 और 3 जो प्लेस पे है, ये पहले प्लेस पे है, ये तीसरे प्लेस पे है, तो पहले इनको ऐड करेंगे ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस में क्या है 1 + 3 है इजिकल टू 4, और फिर इवन प्लेसेस, उसमें क्या है, इसमें भी 1 + 3 है इजिकल टू 4। जैसे ए और ए पहले प्लेस पे और तीसरे प्लेस पे जो था वो ऑड था, और दूसरे प्लेस पे और जो चौथे प्लेस पे हैं वो इवन नंबर हैं, तो दोनों मिला के ये इस तरह से 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 = 0 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब कि जो है अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर जो है आपका ये डिवाइड हो जाएगा 11 से, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 61,809, ठीक है, 611, ठीक है। अब देखिए इसमें जो फिर वही फॉर्मूला अपनाते हैं कि सबसे पहले जो इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर पे हैं, तो ऑड नंबर मतलब कि पहला ये है, तीसरा ये है और पांचवा ये है, पहला तीसरा पांचवा, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 9 + 8 + 6 पहले प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे, पांचवे प्लेस पे, अगर सातवां होता तो सातवां भी ले लेते, ठीक है। तो 9 + 8 + 6 कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 और 17 + 6 23, ठीक है। अब ऑड प्लेसेस पे क्या है, सॉरी इवन प्लेसेस पे 0 और 1 है, तो 0 + 1 करेंगे इजिकल टू 1 आ गया। अब दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 22, तो 22 आपका क्या हो जाएगा 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो है इवन नंबर अलग से ऐड करेंगे, ऑड नंबर जो ऑड के प्लेसेस के नंबर हैं, आप समझिएगा कि ऑड प्लेसेस के जो नंबर हैं और राइट साइड से दाहिने साइड से जो ऑड प्लेसेस के नंबर हैं और जो इवन प्लेसेस के नंबर हैं, ठीक है, उन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑड नंबर से इवन नंबर ही माइनस करें या इवन नंबर से ऑड नंबर माइनस करें, जो नंबर बड़ा होगा उससे छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे, और उन दोनों का जो सबस्ट्रैक्शन होगा अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि वो पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपका क्या क्या देख लिया गया, 2 से डिवाइड होने का, 3 से 4 से 5, 6, 8, 9 और 11, ठीक है।
अगर कोई बड़ा सा नंबर दिया है तो उसको कैसे डिवाइड करना है, तो इस तरह से जो है ये सॉरी डिवाइड होगा कि नहीं होगा उस नंबर से, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क में आपको दे देते हैं, आपको होमवर्क करके रखना है। होमवर्क 60 में दे देते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय पहला डिविजिबल बाय, पहला क्वेश्चन ये है आपका कि फोर एंड एट अलग अलग आप निकालना है कि फोर से और एट से ये नंबर डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो नंबर दे देते हैं, ए आपका है 572, बी दे देते हैं 1700, सी दे देते हैं 12150। ठीक है, और एक और ले लीजिए डी, डी दे देते हैं 3179507 2, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा इसमें निकालना है कि सिक्स से, ये सिक्स से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय फोर एंड एट, सिक्स, सिक्स से कुछ दे देते हैं। ए आपका है 297144। ठीक है, बी आपका है 61233, सी आपका है 17852 और डी आपका है 1790184। ठीक है, और अगला है, तीसरा है आपका करना है 11 से बाय 11। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बाय 4 एंड 8 बाई 6 बाई 11, 11 का नंबर दे देते हैं 7138965। ये आपका ए है, बी है आपका 10824, सी है आपका 7016-9308, डी आपका है 543943। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क ये आपको करके आना है, मतलब करके हमको दिखाना है। व्हाट्सएप पे ही हमको आप जो है होमवर्क का मैसेज कर सकते हैं, जो है सेंड कर सकते हैं, फाइल करके फ़ोटो खींच के उसको सेंड कर दीजिए हमारे नंबर पे। अगर आप नहीं कर रहे हैं होमवर्क तो जो है
ये तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि होमवर्क करना ज़रूरी है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। घर पे इतना काम तो रहता नहीं होगा कि जो है छुट्टी नहीं मिलता होमवर्क करने का, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद चल रहा है, तो टाइम तो मिलता होगा। तो इसीलिए जो है आप होमवर्क करिए, थोड़ा सा आप टाइम निकाल के होमवर्क करिए, और क्या होगा, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, नहीं तो भूल जाएंगे क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो होमवर्क करिए, नहीं तो फिर आपको ही पछताना पड़ेगा, किसी और को नहीं पछताना पड़ेगा, आपको ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल खुलने में अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। थैंक यू।